ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तर बिहार से गुजरने वाली कई यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि घर से निकलने से पहले एक बार अपनी ट्रेन के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर ले, ताकि आपको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। भारतीय रेल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गोंडा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इसको लेकर 8 जून 2022 तक के लिए अलग अलग दिन तकरीबन 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मंगलवार को बिहार आने और जाने वाली 12 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें से अधिकांश ट्रेनें उत्तर बिहार से होकर गुजरती है। उत्तर बिहार में रेलवे आवागमन का सबसे सुगम साधन है। ऐसे में 12 से ज्यादा यात्री ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इन ट्रेनों से हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं। ट्रेनों के रद्द होने के कारण अब इन लोगों को दूसरे माध्यम से अपने गंतव्य तक जाना होगा या फिर अपनी यात्रा स्थगित करनी होगी। नॉन इंटरलॉकिंग का काम बुधवार तक जारी रहेगा। ऐसे में 8 जून को भी कई ट्रेनों को रद्द करने की संभावना है। मालूम हो कि भारतीय रेल समय समय पर विभिन्न रेलखंडों पर इंटरलॉकिंग का काम करता रहता है। जिस रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम होता है, उन रूट पर ट्रेनों का परिचालन या तो रोक दिया जाता है या फिर मार्ग में परिवर्तन किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेन संख्या 15203 बड़ौनी लखनऊ एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15203 बड़ौनी लखनऊ एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 15204 लखनऊ बड़ौनी एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 11123 ग्वालियर बड़ौनी मेल, ट्रेन संख्या 11124 बड़ौनी ग्वालियर मेल। रद्द की जाने वाली ट्रेनों में बड़ौनी लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ बड़ौनी एक्सप्रेस, ग्वालियर बड़ौनी मेल, बड़ौनी ग्वालियर मेल और अमृतसर जयनगर सहित एक्सप्रेस के साथ साथ कई और भी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द कर दी गई है। रद्द ट्रेनों की लिस्ट में बड़ौनी लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ बड़ौनी एक्सप्रेस, ग्वालियर बड़ौनी मेल, बड़ौनी ग्वालियर मेल, अमृतसर जयनगर सहित एक्सप्रेस के साथ कई अन्य ट्रेनें भी शामिल है। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।